हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम 8.3 एक्सरसाइज करते हैं। इससे पहले ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज मार लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। पहला फॉर्मूला, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। ठीक है, अब इसके साथ ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस एंड टेन बराबर 1 अपॉन कॉट, फिर अगेन टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन। तो इन फॉर्मुलों का आपको यूज़ पड़ेगा इस पूरी एक्सरसाइज में, तो इनको देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, साइन को आप दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो आप वन अपॉन कोसेक लिख सकते हो, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा आप साइन ए को लिख सकते हो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अब देखिए कोसेक को आप इजीली कॉट की टर्म्स में तोड़ सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम सिंपल कॉट का कोसेक का निकालना है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या रहेगा, अंडर रूट। तो आप देख सकते हो इजीली साइन कन्वर्ट हो गया आपका कॉट में। ठीक है, अब यहाँ से आप कन्वर्ट करोगे तो देखिए कोसेक कॉस में आ गया, कॉस से आप इसे आगे लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेक ए को कन्वर्ट करना है आपको कॉट में, तो देखिए सिंपल सी बात है, सेक स्क्वायर ए के भी दो फॉर्मूले होते हैं, वन अपॉन कॉस ए, एक तो ये हो गया। अब फिर कॉस से अगर आप जाओगे तो कॉस को आप हाथ से ये लिख सकते हो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बट आपको कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो गया। इसको आपको फिर अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक ए बराबर वन माइनस अंडर रूट वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन को मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूँ कॉट में, तो वन माइनस टेन को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका रूट से बाहर आ सकता है, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा खाली आपके पास कॉट ए। ठीक है, लास्ट बोला हुआ इसने टेन ए को कन्वर्ट करना है आपको कॉट में, तो टेन ए को तो बड़ा इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, टेन ए बराबर वन अपॉन कॉट ए, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए में कन्वर्ट करना है। देखिए साइन ए को क्या करना है आपको, सेक में कन्वर्ट। तो साइन को मैंने अभी देखिए यहाँ पर प्रोसेस बताया कोसेक, और कोसेक से आप जा सकते हो कॉट पर, बट यहाँ पर आप देखोगे तो कॉस है, और कॉस से सेक पे बड़ा इजीली आप पहुँच सकते हो, क्योंकि कॉस क्या होता है सेक का उल्टा, तो अंडर रूट वन माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। तो इजीली आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, और स्क्वायर हटा के आप इस पर क्या लगा सकते हो, नीचे वाले पार्ट पर रूट हट जाएगा, तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, इसे कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए कॉस ए को कन्वर्ट करना है आपको सेक में, तो कॉस ए तो बड़ा इजीली आप लिख सकते हो वन अपॉन सेक ए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेन ए को कन्वर्ट करना है सेक में, तो टेन ए भी बड़ा इजीली हो सकता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है, ये पीछे आपने फॉर्मूले पढ़े थे तो उसी में से हमने उठाया है। कॉट को आपको कन्वर्ट करना है सेक में, तो कॉट को आप लिख सकते हो वन अपॉन टेन, और टेन को तो आपने कर ही दिया है, तो इसका वैल्यू बस यहाँ पर अप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका हो गया है आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके थे, अब आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसे ज़रूर तैयार करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो 9 सेक स्क्वायर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, आपको ये दिया हुआ है और इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप देखिए 9 आपका कॉमन आ गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1, तो 9 बन जाए कितना हो गया आपके पास 9, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट आप लोगों को मैं बाद में करवाऊंगा, सेकेंड की जगह अभी हम लोग थर्ड वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें फॉर्मूले ज़्यादा लगेंगे, तो हम थर्ड वाला देखते हैं। सेक ए प्लस टेन ए और वन माइनस साइन ए, ये आपको दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं, तो ये आ गया।
sec a को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos a, आपको पता है sec क्या होता है, cos का उल्टा। tan को आपका लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, ये वाला पार्ट आपका टूट गया। और यहाँ बचा 1 माइनस sin a, आप देखिए इनका एलसीएम तो सेम एज इट इज़ है, तो एलसीएम सेम आएगा। उसके बाद बचा आपके पास 1 प्लस sin a और इधर आपका 1 माइनस sin a, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ये बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बन गया। और नीचे आपके पास दिया हुआ है cos a, 1 माइनस sin स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर a, और अपॉन में आपके पास है cos a। अब देखिए एक cos से cos कट गया, कितना आ गया आपके पास cos a, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का, आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आप अगर ध्यान दोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं आपके पास, और 1 प्लस cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर। अब इसको अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, तो यानी sec को आपको आगे भी तोड़ना पड़ेगा, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर और cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाली फ्रैक्शन सीधी और नीचे वाली सिंपल सी बात है उल्टी, तो उल्टा करोगे तो sin स्क्वायर ऊपर और 1 आ जाएगा अपॉन में, इसके मल्टीप्लाइस में करिए तो कितना आएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और sin अपॉन cos कितना होता है आपके पास tan स्क्वायर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कल को।